नमस्कार, मैं हूं मनीषा तिवारी। आप देख रहे हैं जिम न्यूज़। आई बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। महाराष्ट्र में छोटी बड़ी सभी दुकानों पर बड़े अक्षरों में मराठी में साइन बोर्ड लगाने को लेकर राजनीतिक दलों में श्रेय लूटने की होड़ मच गई है। इससे व्यापारी सहम गए हैं और वे अपनी और अपनी दुकान की सुरक्षा को लेकर चिंतित। गौरतलब है कि मंत्रिमंडल ने बुधवार को दुकानों के बड़े साइन बोर्ड मराठी में अनिवार्य करने का निर्णय किया था। मनसे नेता संदीप देशपांडे ने धमकी भरे लहजे में कहा है कि दुकानदार सोच ले कि साइन बोर्ड बदलने का खर्च ज्यादा आएगा या दुकान के कांच बदलने का खर्च ज्यादा होगा। वहीं दूसरी तरफ फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेंद्र शाह ने कहा, दुकानों के बोर्ड मराठी में लिखने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फॉन्ट साइज को लेकर आपत्ति। उन्होंने सरकार से इस बारे में दुकानदारों पर दबाव न डालने की गुजारिश की है, साथ ही अपनी और अपनी दुकान की सुरक्षा की मांग भी की। इसके बाद उनकी दुकान के आसपास पुलिस तैनात कर दी गई है। इधर AIMIM के सदस्य इम्तियाज जलील ने ठाकरे सरकार से मांग की है कि लॉकडाउन के चलते दुकानदारों का बुरा हाल है, उनकी गुजर बसर मुश्किल, वे दुकान के साइन बोर्ड बदलने के लिए पैसे कहां से लाएंगे, साइन बोर्ड बदलने का खर्चा सरकार उठाए। इस पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में रहते हैं, यहाँ कारोबार करते हैं और मराठी का विरोध करते हैं, इसे कभी सहन नहीं किया जाएगा। सांसद जलील को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। तो ये थी आज की खास खबर। इस तरह खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे जिम न्यूज के साथ।